इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है भोपाल से। भोपाल में चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नजर आए खुश। भूपेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी को शुरू से 20 सीट जीतने का भरोसा। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर अभी भी मतगणना जारी है। भोपाल चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी कार्यालय में छाई खुशियां। बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे हैं जश्न। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नजर आए खुश। भूपेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी को शुरू से 20 सीट जीतने का भरोसा। सुबह से ही बीजेपी आगे चल रही है और अब बीजेपी मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मतगणना अभी भी जारी है और बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। चलिए सुनो, अरे जो पूरा हो यार, बोल दे जी को भी बोल दे जी सर। अरे देखिए जो देखिए ये तो वो जब से हटे हैं तब से इस बात को कह रहे हैं। 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, फिर राजभवन में विधायक दल की बैठक होगी। सत्यता को स्वीकार करने की हिम्मत होना चाहिए और अब सत्यता को स्वीकार करें। जनता का निर्णय आ गया। बधाई भाई। नहीं, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व बिहार के मामले में जो भी होगा वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, पर मध्य प्रदेश की शानदार सफलता के लिए माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा। विकास, भाजपा और स्वराज, इस मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में गए। कांग्रेस नकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही, जनता ने नकारात्मक मुद्दों को नकार दिया और सकारात्मक और विकास को जनता ने प्राथमिकता दी है। इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता का हम लोग हृदय से अभिनंदन भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। रुझान आ रहे हैं उसमें शानदार जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हम लोग मध्य प्रदेश में माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में स्थायी सरकार प्रदेश को देंगे और आने वाले 3 वर्षों में प्रदेश को विकास में आगे ले जाएंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और शानदार रुझान आ रहे हैं मध्य प्रदेश में भी और बिहार में भी, सभी जगह हम लोग जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।